हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जे एच एफ एफ गेमर्स में। तो गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी जिसका नाम है भूतिया हवेली। और गाइस, इस हॉरर स्टोरी को बनाने में सच में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। और गाइस, प्लीज़ प्लीज़ आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे स्टोरीज बना के ला सकूं। और गाइस, प्लीज़ वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को एंजॉय करना। थैंक यू गाइस। ओहो, लगता है काफ़ी सुबह हो चुकी है और मैं तो अभी तक सो ही रहा हूँ। मैं भी ना, खैर जल्दी उठकर भी क्या ही करूँगा, कॉलेज की छुट्टियाँ लगी हुई है, काम कुछ है नहीं, काफ़ी बोगस दिन गुजर रहे हैं यार आजकल। चलो कहीं घूम कर आता हूँ, घर में बैठे बैठे भी बोर हो जाऊँगा। हाँ, कहीं घूमने चलना चाहिए। एक मिनट, मैं तो भूल ही गया था, आज तो हम उमा के गांव वाले बंगले में घूमने जाने वाले थे। ओहो, मैं भी ना कितना भुलक्कड़ हूँ। चलो फिर तो उमा के पास ही चलना चाहिए, फिर अपन दोनों मिलकर उसके गांव वाले बंगले में घूमने चलेंगे, खूब मज़ा आएगा। चलो चलता हूँ। ओहो, ये रही मेरी गाड़ी, इसमें से तो काफ़ी धुआं निकल रही है, इसका भी रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। ये रहा मेरे उमा भाई का घर, वाव कितना सजा कर रखा है लड़के ने। अच्छा, वो तो अंदर ही है, चलो अंदर चलता हूँ। उमा, अरे ओ उमा, अंदर आ जाऊँ क्या? हाँ भाई, पूछ क्यों रहा है, आ जा। अरे क्या करूँ भाई, पूछना तो पड़ता ही है ना। और बता, क्या हाल है तेरा? अपना तो सब मजे में है भाई, तू बता आज तेरा यहाँ आना कैसे हुआ, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई तेरे को? भाई, मैं तो छुट्टियों में घर में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहा था, तो अचानक तेरी वो बात याद आ गई। अरे मेरी कौन सी बात तेरे को याद आ गई भाई, जरा मुझे भी बता। भाई, अपन दोनों तेरे गांव वाले बंगले में घूमने जाने वाले थे। अरे ओ हाँ, याद तो आ गया राज भाई, पर भाई अपन वहाँ जा नहीं सकते यार। जा नहीं सकते? पर क्यों? भाई कुछ दिन पहले ही पापा का फोन आया था और उन्होंने मुझे गांव वाले बंगले में जाने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं भाई। अजीब सी घटना? मतलब क्या है तेरा? भाई हमने हवेली की देखरेख के लिए एक नौकर रखा था, पर उसकी अचानक से मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत एक सदमे से हुई है, उसने अचानक कुछ देख लिया शायद। उसके कुछ दिन बाद हमने हवेली के देखरेख के लिए एक और नौकर रख लिया, पर कुछ दिन के बाद उसने भी नौकरी छोड़ दी। जब हमने उससे नौकरी छोड़ने का कारण पूछा तो उसने बताया कि हवेली में एक आत्मा है जो उस हवेली में किसी और को देखना नहीं चाहती, जो नहीं चाहती कि उस हवेली में कोई और रहे। हा, उमा तू भी ना यार, पूरा पागल है, अंधविश्वासी हो गया है भाई तू भी। भाई आज के ज़माने में तू भूत प्रेत की बात कर रहा है, पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है भाई तू। हाँ भाई राज, मुझे भी लगता है कि ये सब झूठ है, लेकिन क्या करूँ, मम्मी पापा का बात भी मानना ज़रूरी है और उनकी बात मैं टाल नहीं सकता, तो भाई मैं तो वहाँ जा नहीं सकता। ठीक है, तू नहीं जा रहा है मत जा, पर भाई मुझे तो जाने दे यार, मेरी तो छुट्टी खराब मत कर। अरे भाई तू क्यों फिक्र करता है, ये रख चाबी और जा घूम ले हवेली, पर भाई ध्यान रहे रात मत गुजारना भाई वहाँ, लौट आना रात होने से पहले। हाँ ठीक है भाई, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं लौट आऊँगा रात होने से पहले। हाँ तो फिर ठीक है भाई, तू जा और घूम ले, और हाँ भाई अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होके मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो तो भी मुझे कॉल कर लेना, ठीक है ना भाई? हाँ भाई ठीक है, चल अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। हाँ भाई ठीक है, संभल कर जाना और अपना ध्यान रखना, बाय बाय राज। हाँ भाई, तू मेरी फिक्र मत कर, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। अरे वाह, वो रही हवेली, वाह, दूर से ही कितनी खूबसूरत दिख रही है। ना जाने लोग क्यों ऐसे झूठे कहानियाँ बना के इतनी खूबसूरत हवेली को बदनाम कर रहे हैं।
चलो आखिरकार मैं यहाँ पहुँच ही गया, अब इस हवेली का मुआयना किया जाए। पर वाकई सच में हवेली बहुत खूबसूरत है। वाह, ये किसी महल से कम नहीं लग रही है, आज तो दिल खुश हो गया इसे देखकर। अरे वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत है ये हवेली, इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम पड़ जाएगी। चलो अब अंदर जाकर भी इसका मुआयना किया जाए। मुझे पूरा यकीन है यह हवेली जितनी खूबसूरत बाहर से है उतनी खूबसूरत अंदर से भी होगी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत बेड है। चलो घर के पिछले हिस्से में भी चलकर देख लेता हूँ। सुना है कि इसके पीछे बहुत बड़ी नदी बहती है। अरे हाँ, वो रही। वाह, कितनी खूबसूरत नदी है, आज तो दिल खुश हो ही गया मेरा। बाप रे। अरे ये क्या, ये कैसी आवाज़ थी? ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ज़ोर से सांस ले रहा है। क्या मैंने सच में ऐसा कुछ सुना? नहीं, ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। मैं भी ना इतनी खूबसूरत जगह में आया हूँ, इतनी खूबसूरत नदी है, और मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। चलो अंदर चलता हूँ, इसके ऊपर वाली मंजिल पर चलता हूँ। मुझे पता है वो भी काफ़ी खूबसूरत होगी। अरे वाह, लगता है आगे बालकनी है। अरे हाँ, वाह कितनी खूबसूरत बालकनी है, यहाँ से तो नज़ारा और भी खूबसूरत दिख रहा है। मैं तो बेवजह ही नीचे से समुंदर की मज़ा ले रहा था, यहाँ से देखो दिल खुश हो गया। वाह, चलो अब मैं उमा को कॉल करता हूँ। कौन है यहाँ, कौन है? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर मेरा नाम किसने पुकारा? लगता है ये मेरे मन का वहम है। ओहो, ये क्या हो रहा है मुझे? मुझे लगता है कि आज के सफ़र से काफ़ी थक गया हूँ मैं, इसलिए मुझे ये सब हो रहा है। अगर मैं उमा से कॉल में ये सब बताऊँगा तो वो फिर भूत प्रेत वाली बात करेगा। चलो छोड़ो, मैं चलकर आराम करता हूँ, थक गया हूँ इसलिए ये सब हो रहा है। आराम करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। नीचे वाले रूम में जो बिस्तर है ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, उस पर आराम करने में तो मज़ा ही आ जाएगा। अरे वाह, अब तो बहुत बढ़िया नींद आएगी मुझे। अरे कौन है, कौन है यहाँ? अब मुझे पक्का यकीन हो गया, यहाँ ज़रूर कोई ना कोई है, कोई और भी है यहाँ। कौन है? मैं कहता हूँ मेरे सामने आओ, कौन है यहाँ? कौन है जो मुझे कब से पुकार रहा है? मुझे पता है यहाँ सच में मेरे अलावा कोई और भी है, जो कोई भी है मेरे सामने आ जाओ। कौन हो, कौन हो यहाँ? तो गाइस ये था भूतिया हवेली का पार्ट 1। गाइस हम पार्ट 2 भी बहुत जल्दी से लेकर आएंगे। और गाइस होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए।
और गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड सपोर्ट गाइस, आपके भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस।